बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दानिश मलिक। नाज़रीन, आपने एक मसाल तो जरूर सुनी होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। मोदी हुकूमत इस मसाल की अमली सूरत बनकर हमारे सामने बल्कि दुनिया के सामने आ चुकी है। तैयब उर्दुगान ने जब से कहा है अक्वामे मुत्तहिदा में कि कश्मीर का मामला अक्वामे मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक हल किया जाए, और तैयब उर्दुगान ने पाकिस्तान के मौकफ की तायद की, जिस तरह पाकिस्तान भी कहता आया है कि ये एक हल तलब मसला है, इसको हल किया जाए। इसी मौकफ की तायद करते हुए तैयब उर्दुगान ने कहा कि ये खित्ते का एक इंतहाई हसास मामला है, इसको हल किया जाए, और भारत पर उन्होंने दबाव डाला कि भारत कश्मीर पर जुल्म करना बंद करे। इस बयान का आना था कि भारत में खलबली मच गई और भारतीय हुकूमत की जानिब से तुर्क सदर पर और तुर्की की गवर्नमेंट पर दबाव डाला गया कि वो अपना बयान वापस लें, लेकिन तुर्क सदर ने अपना बयान वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। अब मोदी ने तुर्की का दौरा करना था, लेकिन इसी बौखलाहट के शिकार में उन्होंने ये दौरा मंसूख कर दिया, क्योंकि मोदी आलमी मीडिया का सामना करने से कतरा रहा है और इसे पता है कि आलमी मीडिया कोई भी ऐसा सवाल कर सकता है, खास करके उन ममालिक का दौरा करने से कतरा रहा है कि जिन्होंने पाकिस्तान के मौकफ की तायद की और कश्मीर को आलमी तनाजा बताया और इस हवाले से अपना मौकफ अक्वामे मुत्तहिदा में भी पेश किया। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मजीद खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।